एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता ब्यूटी पीट्स। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी सा होम रेमेडी, जिसे यूज़ करके आप अपने स्किन के, हमारे स्किन में बहुत बार होता है कि एक्ने जो होते हैं उनके बाद उनके बहुत सारे स्पॉट हो जाते हैं और वो रह जाते हैं। सो वो स्पॉट या फिर हमारे सन टैन हो जाता है हमें कई बार, उसके अलावा ये वाइट हेड, ब्लैक हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। सो इन सारे चीज़ों को ये एक होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये एक चम्मच, ये राइस फ्लावर है, एंड आप अपने, आपको जितना लगेगा आप उतना ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ यहाँ पर ये राइस फ्लावर, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच कच्चा दूध, ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया है 2 चम्मच कच्चा दूध। इसके अलावा मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये हाफ कटा हुआ छोटा सा पीस है टमाटो का, इसे हम अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे इसमें, ये देखिए। टमाटो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं इन तीनों को। ऑलराइट, सो ये एक बहुत ही अच्छा सा, आप देख सकते हो, पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा। अब मैं इसे एज अ स्क्रब अपने चेहरे पे यूज़ करूँगी। आप इसे अपने लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ स्क्रब, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब हम कम से कम 5 मिनट तक स्क्रब करेंगे, बहुत ही आराम आराम से, बिकॉज़ ये थोड़ा सा, क्योंकि चावल का आटा है सो हमारी स्किन को हार्म भी कर सकती है, इसलिए हमें इसे ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है, बहुत ही आराम से कम 5 मिनट तक स्क्रबिंग करनी है हमें इसे। आप देख सकते हो मैं इसे एज अ लिप्स स्क्रब भी यूज़ कर रही हूँ, इसके बाद हमारा लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। स्क्रबिंग करने के बाद हमें इसे अपने चेहरे पर कम से कम 5 मिनट तक रहने देना है, एंड उसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो कि ये बहुत, मैं फील कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, एंड आप देख सकते हो कि मेरी स्किन जो है पहले से ज़्यादा लाइटन अप एंड क्लीन लग रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक होम रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।